हेलो स्टूडेंट्स टुडे इज़ योर प्रैक्टिकल क्लास फॉर जूलॉजी सो दिस ईर यू आर स्टडिंग अबाउट द कॉडेट्स सो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल जुआलॉजी कॉर्डेट्स की कुछ बुक्स हैं उनके बारे में जान लीजिए ये बुक जो अभी रिप्रेज़ेंट की गई है दैट इज़ बाय डॉक्टर पी एस वर्मा सो दिस इज़ द मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल जुअलॉजी कॉर्डेट नेक्स्ट बुक इज़ प्रैक्टिकल जुलॉजी वॉल्यूम टू दिस इज़ बाई यादव एंड वाष्णे ये बुक अपडेटेड है अभी जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह में आप देखते हो कि पुराने बुक्स में अपडेटेड नहीं है लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हेमी कॉडेट्स को भी कॉडेट्स में लिया गया है सो इसमें अपडेटेड है इस बुक में तो आप इसको भी ले सकते हो अदरवाइज पुरानी बुक्स भी अच्छी हैं अगर नई बुक आपको लेनी है तो आप यादव एन वाषण की ले सकते हो देन थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल जूलॉजी वर्टिब्रेट बाई एस एस लाल सो एस एस लाल की बुक भी काफ़ी अच्छी है आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो तो इन तीनों में से जो भी बुक आपको प्रैक्टिकल की अवेलेबल हो जाए आप उसको uh, लेकर आप स्टडी uh, कर सकते हो अपनी फाइल मेंटेन कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फाइल इस साल यानी कि सेकंड ईयर में आपकी फाइल का कलर होगा येलो एंड इसके अलावा सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स में आप याद रखिए केवल फोर कॉलम्स ही होने चाहिए और इन फोर कॉलम्स में सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का देन सेकंड कॉलम विल बी फॉर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जेक्ट्स and third column will be for date and last column will be for signature of teachers. <coughs> तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स से आपको फाइल में एज सच सबसे पहला काम ये करना है इंडेक्स के बाद कि जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स को आ, उसमें फाइल में मेंटेन करना है इस तरह से आप देख रहे हो लाइनिंग वाले जो पेजेस हैं यानी कि आपके लेफ्ट साइड में है ना लेफ्ट साइड वाला पेज क्या होगा लाइनिंग वाला ओके okay? और उसमें आपको पॉइंट वाइज शॉर्ट में करके बिल्कुल बुक को छापना नहीं है शॉर्ट में आपको कॉडेट कैरेक्टर्स लिखने हैं और राइट right साइड में आपको क्लासिफिकेशन करना है तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करें लाइक देखिए कैसे शॉर्ट में करना है आप देखो इसमें आ, सबसे पहला कैरेक्टर मैं आपको कॉर्डेट्स में बताती हूँ कि उसके थ्री फंडामेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट या फिर उसी को हम कॉर्डा डोरसैलिस भी कहते हैं देन प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजिल गिल्सलिप्स तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हुआ कॉर्डेट्स का इसी के साथ ही बाकी के कैरेक्टर्स भी आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं ठीक है तो ये आप बुक को देख करके के बहुत ज़्यादा लंबे आपके पॉइंट्स ना हो थोड़े शॉर्ट में हो और मैं आपको क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी इन सब के बारे में बता चुकी हूँ तो यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करना चाहूँगी अब हम राइट वाले पेज पे आते हैं यानी कि जो ड्राइंग शीट होती है उस पेज पे आपको क्लासिफिकेशन पेंसिल से करना है ओके okay? तो पेंसिल से क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं बता दूँ कि आपको जो यहाँ डेट्स डले हुए हैं यह ये डेट्स यहाँ ना डाल करके आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ यानी कि जो कमेंट वाले पेजेस होते हैं उसमें कॉलम बना होता है डेट्स के लिए वहाँ आप डालें ठीक दूसरी चीज़ आप देखिए कि पुरानी बुक से अगर आप करते हो तो उसमें आपको फाइलम कॉर्डेटा के दो ग्रुप्स तो ठीक है क्लियरली रहते हैं कि प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूरो ये देखिए यहाँ पर ये भी मिस्टेक किया हुआ है सिर्फ कॉर्डेटा लिखा है इसने यू कॉर्डेटा होगा ठीक है तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं इनको आपको अवॉइड करना है अभी सही वाला मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगी ठीक लेकिन ये गलतियां नहीं करनी इसके लिए मैंने ये क्रॉस भी लगा रखा है अब देखिए प्रोटोकॉर्डेटा में इन्होंने तीन सब फाइलम को रिप्रेजेंट किया जबकि प्रोटोकॉडेट्स में सिर्फ दो सब फाइलम है हमने आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन में ठीक है तो हेमी कॉर्डेटा नहीं होना चाहिए पुरानी बुक अगर आप कंसिडर कंसिडर करोगे तो उसमें आपको हेमी कॉर्डेट्स भी मिलेगा लेकिन अब हेमी कॉर्डेट्स को अलग से माइनर फाइलम में आ, आ, प्लेस कर दिया गया है सो ये प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं आते हैं हेमी कॉर्डेट्स तो प्रोटोकॉर्डेट्स में सिर्फ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉडेटा ही आएंगे और इसके रिप्रेजेंटेटिव हर एक का आपको रिप्रेजेंटेटिव भी बताना होगा कि कौन कौन है जैसे कि यूरोकॉर्डेटा में हार्टमानिया हो गया एग्जाम्पल और सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सस हो गया ठीक है देन उसके बाद आप देखिए यूकॉर्डेटा में आ, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ठीक है एंड देन वर्टिब्रेटा के बाद उसके डिविजन्स हैं ए नाथा नेथोस्टोमा ठीक है देन उसके बाद ए नाथा को ऑस्ट्राकोडामी एंड साइक्लोस्टोमेटा में क्लास में डिवाइड किया गया क्लासिफाई किया गया है देन उसके अलावा आप देखेंगे ग्नेथोस्टोम्स के जो सुपर सबसे पहले सुपर क्लास आएगा दैट इज स्पाइसेस एंड टेट्रापोडा देन स्पाइसेस को क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है लाइक थ्री क्लासेस प्लेकोडर्मी ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड ऑस्टिक्थिस ठीक सॉरी प्लेकोडर्मी कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस सो टेट्रापोडा की क्लासेस भी चूंकि आप कॉर्डेट का जनरल आप बता रहे हो तो आपको टेट्रापोडा की भी बाकी के जो चार क्लासेस हैं एम्फीबिया रेप्टीलिया एफ्स और मेमेलिया इनके बारे में भी आपको बताना होगा और सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल देना होगा अब आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल में मैंने फ्रॉग लिखा है यानी कि ये कॉमन नेम है तो इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है लिजर्ड भी कॉमन नेम है इसको अंडरलाइन नहीं किया गया बर्ड्स भी कॉमन नेम है और मैन भी कॉमन नेम है अगर मैन की जगह होमोसैपियंस आप लिखते तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं ठीक है क्योंकि साइंटिफिक या जोलॉजिकल नेम आपको अलग से रिप्रेजेंट करना होगा लाइक like इधर देखिए आप एग्जाम्पल में हार्डमानिया अंडरलाइंड है एम्फियोक्सस अंडरलाइंट है तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी देन नेक्स्ट आप देखिए राइट वाला जो सही क्लासिफिकेशन है वो शॉर्ट में शुरू का हम बता दे रहे हैं बाकी का आप आगे का उसी तरह से एसर्च कंटिन्यू कर सकते हो तो फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है पहला एक क्रेनिएटा यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है क्रेनिएटा ठीक है क्रेनिएटा को हम यू कॉर्डेट्स भी कहते हैं ठीक है यू कॉर्डेटा ई यू एंड देन उसके बाद एक क्रेनिए एक क्रेनिए एक क्रेनिया को सब फाइलम दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया यूरोडेटा एंड सिफेलो कॉडेटा एंड क्रेनिएटा को सिर्फ एक सिंगल सब फाइलम में क्लासीफाई किया गया दैट इज़ वर्टिब्रेटा अब इसके आगे का आप ऐसा जैसा पहले के पेज में था वैसे ही कंटिन्यू करो सो दिस इज द राइट वन ओके ओके नाउ उसके बाद अब कॉर्डेट्स की बात तो हो गई कॉर्डेट्स के बाद अब सबसे पहले उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं यानी कि एक रेनीटा ठीक है तो प्रोटोकॉर्डेट्स के भी आपको जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन उसी तरह से करने होंगे जैसे आपने कॉर्डेट्स का किया तो सेकेंड पेज मतलब कॉर्डेट्स के बाद नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा प्रोटोकॉर्डेट्स का ओके सो यू विल डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट साइड लाइनिंग पेजेस एंड क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द राइट साइड ड्राॅइंग शीट ओके सो आप क्लासिफिकेशन में आप देख लो एक और प्रोटोकॉर्डेटा उसको दो सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया और इन दोनों सब फाइलम के अब आपको आगे क्लासेस एंड ऑर्डर इवन ऑर्डर्स तक आपको इसको क्लासिफाई uh, करना होगा तो यूरोडेटा का आप देख सकते हो कि तीन क्लासेस आपको दिख रही हैं ए थैलीएसिया एसिया थैली एसिया एंड लार्वेसिया देन ए एसिया का दो ऑर्डर है दैट इज एंट्रोगोना एंड दूसरा है प्लूरोगोना सो so आप देख सकते हो प्लूरोगोना का एग्जाम्पल है हार्डमानिया ओके देन इसके अलावा आप सिफेलो में आ जाओ मतलब बाकी के सारे क्लासेस भी आप इसी तरह से करोगे थेली को तीन ऑर्डर में लार्वेसिया को दो ऑर्डर्स में उनके नाम और एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप करोगे तो यहाँ पर देखिए इटैलिक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है लेकिन आप अपने हाथ से इटैलिक्स नहीं लिख सकते तो आप उसको अंडरलाइन कर दोगे एग्ज़ैम्पल को ठीक है सो सिफेलोकारडेटा में आप देखिए लेप्टोकार्डी क्लास लेप्टोकार्डी मतलब सिंगल एक क्लास है लेप्टोकार्डी और उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एग्जाम्पल क्या है एम्फी ओके सो इस तरह से आप उ, आप देख लीजिए प्लीरोगोना का एग्जाम्पल हार्डमानिया और दूसरा एग्जाम्पल हो गया लेप्टोकार्डी का यानी कि सिफेलो में लेप्टो क्लास लेप्टो का एग्जाम्पल है एम्फी तो ये दो रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाए गए हैं इस पेसीमेंस में इसलिए इन दोनों को हाईलाइट किया गया है और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि प्रोटोकॉडेट्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं और साथ ही साथ माइन्यूट भी होते हैं है ना उनकी साइज छोटी भी होती है तो जो ऐसे प्रोटोकॉडेट्स हैं जो कि आप इजली देख सकते हो स्पेसीमेंस के फॉर्म में वो आपको दिखाया जाएगा बाकी के स्लाइड्स के फॉर्म में होते हैं ठीक है सो आज आपकी प्रैक्टिकल की क्लास जो है वो स्पेसिमेंस की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ स्पेसिमेंस सो स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस फॉर स्पॉटिंग तो पहला आपका स्पेसिमेन है हार्डमानिया दैट इज फ्रॉम द सब फाइलम यूरो यूरोडेटा एंड आपको प्लियोगोना मैंने बताया था ऑर्डर प्लियोगोना ठीक है तो क्लास क्या था ए तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी है ना अब इसको आप देखिए पहला वाला जो फिगर है वो एक किस तरह से म्यूज़ियम स्पेसिमेंट में आप देख सकते हो एनिमल को वो दिख रहा है सेकेंड वाला जो फिगर दिख रहा है वो आपका आ, एस एच थोड़ा सा इनलास्ड व्यू है है ना हार्डमानिया को आप देखिए किस तरह से म्यूज़ियम स्पेसिमेंट में आपको दिखाई देगा सो ये दूसरा वाला फिगर जो है उसी का एनलास्ड व्यू है और तीसरा वाला फिगर जो है वो आपका लाइन ड्राइंग है तो लाइन ड्राइंग के फॉर्म में आपको कंपेयर करना होगा ठीक है तो आप जब भी म्यूजियम स्पेसिमेंट देखा करते थे तो आप लोग बुक्स में मतलब बुक्स को खोल के कंसीडर करते थे कंपेयर करते थे तो आपको इस तरह से कंपेयर करना है तो आप देखिए ऊपर का ट्यूनिक आपको दिख रहा है, है ना तो ट्यूनिक के साथ में टेस्ट बोलेंगे या ट्यूनिक बोलेंगे वो कैसा सॉफ्ट मैं आपको एग्जाम्पल देती थी सीमेंट की बोरी का भी याद है तो ऊपर वाला हिस्सा लाइक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है और अगर नीचे से अगर मान लीजिए कि वाटर चला गया तो नीचे का हिस्सा हार्ड हो जाता है तो नीचे वाला इसका फुट वाला रीजन अलग तरह का दिख रहा है ठीक तो ये बैग लाइक दिख रहा है और इसके अलावा इसका जो एट्रियल अपर्चर है वो रेड कलर के सर्कल में दिखाई दे रहा है ये देखिए ये रेड कलर का सर्कल आपको इसमें एट्रियल अपर्चर बहुत क्लियर नहीं है लेकिन उसके फोर लिप्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देंगे ठीक है ब्रैंकअल अपर्चर उतना क्लियर नहीं है सो so, इस स्पेसिमेंट को देख करके आप आ, इसके अपर्चर्स इसके टेस्ट और ट्यूनिक एंड इसका फुट रीजन देख के आप कन्फर्म कर सकते हो कि दिस इज हार्डमानिया ओके okay. सो so, अब नेक्स्ट स्पेसीमेंट है आपका जो कि छोटा है स्पेसिमन के अंदर ना होकर के इसको हमने पेट्रेडिश में दिखाया है तो पेट्रेडिश में वाटर के अंदर थोड़ा सा वाटर लेके आपको एम्फी रखा हुआ मिलेगा पैट्रेडिश में सो आप इसको देखिए पिंक कलर का है लाइट पिंक कलर का दिख रहा है एम्फी बिल्कुल निडिल जैसा लंबा सा है ना सो उसी का आप देखिए एन व्यू है दूसरा वाला जो है दैट इज द एन व्यू ये देखिए एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी छोटे एम्फी को तो एम्फियोक्सस हो गया दूसरा सफाइलम यानी कि प्रोटोकॉडेट ग्रुप प्रोटोकॉडेट या एक रेनिएटा एक रेनीएटा का मतलब क्या हुआ जिसमें ब्रेन ना हो ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है ठीक है तो प्रोटोकॉडेट्स का दूसरा सफाइलम है सिफेलोकॉडेटा और उसका रिप्रेजेंटेटिव है एम्फियोक्सस सो एम्फियोक्सस को भी आप देखिए कि एंड लास्ट व्यू आपको दिख ही रहा है उसके अलावा आप इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजनस को भी किस तरह से आप क्लियरली uh, आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके लिए आप देखिए कि जो हेड रीज़न यानी कि एंटीरियर रीज़न होगा इसका एंटीरियर रीज़न देखिए ये दिस वन नीचे की तरफ को आपको एंटीरियर रीज़न दिख रहा है सो so, वहाँ पर ओरल सिराई प्रेजेंट होते हैं ठीक है थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा सिर्फ आगे का टिप पॉइंटेड होगा बाकी उसके पीछे ट्रांसपेरेंट सा ब्रॉड रीजन होगा ठीक सो दैट इज द एंटीरियर रीजन जबकि आप देखिए जो इसका पोस्टीरियर रीज़न है आप देखिए ऊपर की तरफ पोस्टीरियर रीज़न रिप्रजेंट किया गया है तो ये बिल्कुल पॉइंटेड टेल के फॉर्म में है है ना so सो आपको इस तरह से एम्फी ऑक्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर रीज़न पता होना चाहिए क्योंकि ओरल हुट या ओरल सिराई जो आपको दिख रहा है वो आपको एंटीरियर रीजन से ही डिसेक्ट आउट करना माइरन माइनर डिसेक्शन में ओरल हुड uh, आपको एग्जाम में आ सकता है निकालने के लिए सो so, इसलिए आपको एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीज़न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सो so, इसी तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप देखिए किस तरह से हम फाइल में म्यूजियम स्पेसिमेंट्स को मेंटेन uh, करेंगे तो आप देखिए uh, जो लाइनिंग वाले लेफ्ट साइड के पेजेस है उस पर हमने इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि ये प्रोटोकॉर्डेट्स में आ रहे हैं तो अलग अलग सब फाइलम होने के बावजूद भी हम हम लोग क्या करेंगे आपको क्या करना है कि एक ही पेज पे आपको ये याद रखना है कि एक पेज पे हमेशा दो आ, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए ठीक है जिन पे आप कमेंट करोगे और क्लासिफाई करोगे सो पहला हार्डमानिया है उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं शॉर्ट में है बहुत डिटेल नहीं है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको ही आप लिखोगे पूरी की पूरी बुक आपको नहीं छापनी है ये आपको ध्यान रखना होगा सो so, आप देखिए आप जो फिगर बनाओगे उस फिगर को आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करके आप हाफ पोर्शन पेज का लोगे और वहाँ पर बना करके आप उसके नीचे एनिमल का नाम लिखना है देन हमेशा आपको क्लासिफिकेशन किधर करना है ऑन द राइट अपर साइड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म तो जैसे हार्टमानिया बना हुआ उसके राइट साइड में देखिए ऊपर की तरफ को उसका फाइलम क्लास सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई है फाइलम कॉडेटा ग्रुप प्रोटोकॉकॉडेटा सब फाइलम यूरोडेटा क्लास एसीडी एंड ऑर्डर इसमें यहाँ पर एसीडी इसमें गलत लिखा हुआ है बेटा ऑर्डर इसका प्लूरोगोना होगा ओके सो so, ये देख करके आप सही चीज़ें करिएगा ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कुछ बच्चों का लेकर के आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो आप लोग मिस्टेक करते हो तो हम यहाँ पर आपको जो गलत चीज़ें उनके चीज़ें उनके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि मिस्टेक ना हो सही चीज़ें हों देन उसके बाद सेकेंड नंबर पर एम्फी ऑक्स है तो एम्फी ऑक्सस में देखिए आप फिगर नीचे के हा हाफ़ पोर्शन में एम्फी ऑक्सिस का फिगर बना हुआ है और उसके राइट अपर साइड में उसका क्लासिफिकेशन है सो so, इसी तरह से आपको जितने भी म्यूजियम स्पेसिमेंस दिखाए जा रहे हैं उसको आपको अपनी फाइल में इसी तरह से मेंटेन करना है नेक्स्ट आ जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा पे ठीक है सो so, uh, साइक्लोस्टोमेटा का जनरल कैरेक्टर आप लाइनिंग वाले पेजेस पे लेफ्ट साइड में करोगे सो so, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास साइक्लो स्टोमेटा, सो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिए हुए हैं आ, इसके अलावा आप देखिए इसके जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में आप देखिए वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा से शुरू किया गया है जो तीसरा सब फाइलम है यानी कि आप चाहो तो इसके पहले आ, आप चाहो तो लिख सकते हो अगर आपका मन है तो आप यू कॉडेट्स भी लिख सकते हो ठीक है देन उसका यू कॉडेट या फिर क्रेनिएटा तो ये ग्रुप हो गया उसके बाद सब फाइलम वर्टिब्रेटा सिंगल सब फाइलम है देन उसके बाद इसको दो डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया ए नाथा और नेथो इस्टोमेटा तो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है वो ए नाथा यानी कि जॉलेस एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स और में की कैटेगरी में ये आता है तो ए नाथा कि आप देखिए ये दो क्लासेस हैं एक तो है ऑस्ट्राकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट है और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा तो आप चाहो तो केवल साइक्लोस्टोमेटा से भी कर सकते हो ये डिपेंड करता है यानी कि आप क्लास साइक्लोस्टोमेटा को अगर क्लासिफाई करना चाहते हो तो आप शुरू से भी कर सकते हो यानी कि आप जो फाइलम कॉडेटा है वहाँ से भी कर सकते हो और आप इस तरह से साइक्लोस्टोमेटा के बाद जस्ट उसके जो दो ऑर्डर्स हैं है ना पेट्रोमाइजोनशिया एंड दूसरा ऑर्डर है मिक्जन ठीक मिक्जिन भी इसी में आते हैं ना तो वो दूसरा ऑर्डर हो गया तो पेट्रोमाइजोनशिया यानी कि जो फनल शेप्ड होते हैं हमने आपको थीरी की क्लासेस में इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनका साइक्लो मीन्स सर्कुलर स्टोन्स मीन्स माउथ सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं और इसके दो ऑर्डर्स हैं पेट्रोमाइजोनशिया यानी कि फनल शेप्ड माउथ सकर एंड दूसरा हो गया मिक्सनडी जिनमें के टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है मिक्सन में तो ये और ये फनल शेप्ड इसमें नहीं होता जबकि पेट्रोमाइजोनशिया में फनल शेप्ड सकर लाइक माउथ होते हैं ओके okay, तो आप देखिए म्यूजियम स्पेसिमेंट कैसा है बहुत लंबा सा स्पेसिमेंट है इसका ठीक है और बिल्कुल ईल लाइक होती है इसकी बॉडी तो बहुत लंबी सी ये फिश दिख रही है सेकेंड नंबर पे जो फिगर है दैट इज आ, इसका एनलास्ट व्यू है तो आप साइक्लोस्टोमेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज़ बेट्रोमाइजॉन उसको कैसे पहचानोगे उसके माउथ से तो सकर लाइक -like जो माउथ है इसका ये दिख रहा है और बेटा इसके ऊपर स्पेसिमेंट इस का जो ग्लास है ना उस पर थोड़ा सा पेंट लाइक -like आ गया तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है वो ऊपर ग्लास के ऊपर की चीज़ें हैं बाकी आपको सकर पे ध्यान देना है कि इसका सकर लाइक -like माउथ जो है वो इस तरह से दिखाई देगा दिखा, देखिए है ना फनल शेप्ड माउथ है ठीक है अंदर की तरफ फनल जैसा बना हुआ है सो so, यही इसकी पहचान होती है आप देखिए बगल में उसके लाइन ड्राइंग के द्वारा भी दिखाया गया है तो आप साथ में इसके सेवन पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स भी देख सकते हो hmm, ये यह देखिए यहाँ भी दिख रहा है ये एक्सटर्नल स्लिट्स इन सेवन पेयर्स ठीक है और आप ये देखो इसमें ध्यान से आप देखिए तो आप इस फिगर में भी यानी कि जो इन लास्ट व्यू है पेट्रोमाइजॉन का उसमें आपको आराम से वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पेयर्स ऑफ ग्रेसलेट्स नजर आ रहे हैं ठीक है सो इस तरह से आप पेट्रोमाइजॉन को पहचान लोगे अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट है आ, सुपर क्लास पाइसेस सो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास स्पाइसिस तो वैसे ही जैसे अभी तक आप कर रहे थे उसी तरह से जनरल कैरेक्टर्स को आप लेफ्ट साइड में लाइनिंग वाले पेजेस पे लिखोगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्पाइसिस के देन उसके बाद आप दूसरे वाले ड्रॉइंग शीट पे पेंसिल से क्लासीफिकेशन करोगे सुपर क्लास पाइसेस का सो so, आप देख सकते हो इसमें ये आप देखिए सुपर क्लास प्लाई पाइसिस की क्लासेस दो मेन क्लासेस हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस एंड देन उसके बाद आप देखिए सब क्लासेस सिलाची एंड रैक्यूडोंटी एंड इसके अलावा जो ऑस्टिकथिस है यानी कि उसमें बोनीफिश है उसके भी सब क्लासेस हैं एक्टिनोपटेराएगी एंड सार्क उपटेराएगी तो इस तरह से आप इसको पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन करोगे क्लासिफिकेशन के बाद हर एक जो या तो क्लासेस होंगे या फिर ऑर्डर्स होंगे तो जो भी लास्ट में हो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है विथ अंडरलाइन तो जो जीनस होगा वो अंडरलाइन के साथ में होगा ओके देन स्टडी ऑफ क्लास कॉन्डिक्थिस और एलैसमो तो सबसे पहले हम uh, कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि सुपर क्लास स्पाइसेस का जो क्लास है दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस उसी को हम एलैसमो ब्रांक्स भी बोलते हैं तो इस क्लास की स्टडी करेंगे ओके um, सो okay. so, पहला रिप्रेजेंटेटिव एलैसमो ब्रांस और कॉन्ड्रिक्थिस क्लास कॉन्ड्रिक्थिस का है स्फायरना इट इज़ ऑल्सो नोन एज है फिश एंड इसका ऑर्डर है प्लूरो प्लेरोट्रिमाटा से मतलब ये है कि लेटरल uh, साइड में इसके कट्स होते हैं यानी कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो लेटरल होते हैं इसके ठीक है सो आप देख सकते हो यहाँ पर uh, पहला जो फिगर स्पेसिमेन uh, है कंप्लीट स्पेसिमेन दिख रहा है दूसरा इसका एनलास्ड व्यू है एनलास्ट व्यू में ये कैसा दिखेगा तो इसके लेटरल साइड में देखिए आपको स्लिट्स क्लियरली विजिबल हैं एंड देन लास्ट फिगर इज़ अ लाइन ड्राइंग और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हैमर हेडेड फिश तो आपको हैमर लाइक -like, इसका हेड क्लियरली विजिबल है और इस दो हैमर का जो एंड होता है वहाँ पर इसकी आईज़ प्रेजेंट होती है मैं इसको इनलार्ज करके भी आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखा देती हूँ इसकी आइज़ देखिए दोनों हैमर के एंड पर प्रजेंट uh, है प्लस लेटरल गिल्सलिट्स भी आपको क्लियरली विजिबल हैं एंड इसके अलावा इसके जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं एंड डॉर्सल फिन भी आपको क्लियरली विजिबल है इसके डोर्सल फिन दो होते हैं पहला थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा एडिपोस के फॉर्म में होगा एडिपोस फिन भी कह सकते हैं या फिर उसको हम ग्रीन कलर में देखिए दिख रहा है सेकेंड डोर्सल फिन भी कह सकते हैं एंड टेल हेटरो सर्कल तो कॉन्डक्टिस में टेल जो कॉडल फिन होता है दैट इज़ हेटरो सर्कल यानी कि इक्वली डिवाइडेड नहीं है आप देखिए इसका एक भाग कॉर्डल फिन का एक हिस्सा काफी बड़ा है और दूसरा हिस्सा छोटा सा है सो दैट मीन्स की दिस इज हेटरो सर्कल कॉर्डल फिन इज हेटरो सर्कल देन उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज ट्राइगॉन ट्राइगॉन को वी यूजली कॉल्ड एज स्टिंग रे इसकी टेल में देखिए स्टिंग प्रेजेंट है स्टिंग और स्पाइंस आपको लार्ज करके मैं दिखा रही हूँ आप देखिए इन द टेल ऑफ देर आर फ्यू स्टिंग्स और स्पाइंस इसके अलावा इनको हम रे क्यों कह रहे हैं उधर आप देखिए वो हैमर हेडेड जो था दैट वॉज शार्क ओके अब ये रे है आप देखिए इनमें हाइपोट्रिमाटा जो रेज होते हैं उनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो वेंट्रल साइड में होते हैं ओके यानी कि बिल्कुल लोअर साइड में सो आप अगर डॉर्सल साइड से इसको देख रहे हो तो आपको इसके गिल स्लिट्स नज़र ही नहीं आएंगे एंड काफ़ी ब्रॉड होता है इसका जो पूरी बॉडी होती है आगे की एंटीरियर पोर्शन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है दैट इज़ वाई दीज आर दीज आर नोन एज रेज तो शार्क्स एंड रेज में आपको फ़र्क पता होना चाहिए एंड uh, इसकी टेल आपको दिख ही रही है क्लियरली विजिबल है ऑर्डर हाइपोट्रिमाटा क्लास तो आपको पता ही है कि हम अभी कॉन्टेक्टिस की स्टडी कर रहे हैं सो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज स्कॉलियोडॉन स्कॉलियोडॉन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको थीरे की क्लासेस में आप लोगों ने इसकी स्टडी की है सो so, आप पहला वाला जो स्पेसिमेन देख रहे हो दैट इज वेंट्रल व्यू तो इसका जो माउथ है वेंट्रल माउथ है वो क्लियरली विजिबल है ओके एंड साइड्स में इसके गिल्सलिट्स भी नज़र आ रहे हैं यानी कि लेटरल uh, साइड में होते हैं इसके गिल स्लिट्स वेंट्रल नहीं होते हैं सो दैट इज़ वाई इट इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर ट्रिमाटा बिकॉज इट हैज़ लेटरल गिल स्लिट्स डॉर्सल व्यू आप देख सकते हो डॉर्सल व्यू में uh, आपको इसके साइड्स में आईज दिख रहे हैं ना स्पारकल उतना क्लियरली विजिबल नहीं है एंड देन थर्ड फिगर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कॉलिडॉन इन साइड व्यू तो आप इसके डॉर्सल फिन आप देख सकते हो कि पहला वाला जो डॉर्सल फिन होगा वो ज्यादा बड़ा होता है लार्ज होता है एंड सेकेंड डॉर्सल फिन इज़ स्मॉल एंड इसके अलावा आप बाकी के फिन्स भी देख रहे हो पेक्टोरल फिन पेल्विक फिन एनल फिन एंड कॉर्डल फिन इज हेट्रोसर्कल सो कॉन्डिक्थिस का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ओके सो दिस इज ऑल्सो नोन एज शार्क और डॉक फिश डॉक फिश क्यों क्योंकि इसका जो स्नाउट होता है उस स्नाउट पे इसके बहुत सारे एम्पोलरी सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी स्मेलिंग पावर को काफ़ी बढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से जैसे डॉग स्क्वाइट्स काम करते हैं स्मेल करके किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने का काम करते हैं तो उस तरह से शार्क्स जो हैं इनकी स्मेलिंग स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है दैट इज़ वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज डॉग फिश नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज टॉर्पिडो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए एंड इन जनरल द कॉमन नेम ऑफ दिस फिश इज इलेक्ट्रिक रे तो आप देख सकते हो स्पेसिमेंट में आपको ये दिख रहा है इसका स्पेसिमेंट इस थोड़ा इन लार्ज करके मैं दिखा रही हूँ आप देखिए ये तो इसमें इसमें बहुत क्लियर तो नहीं हो रहा है लेकिन आप इसकी बॉडी की शेप से और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा विजिबल है इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन आप इस आपको हम इस चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ और ज़्यादा क्लियर दिखाते हैं क्योंकि इसमें जो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं आप देखिए इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स दोनों साइड में प्रेजेंट हैं हेड की दोनों साइड में लैटरल साइड में सो आइस के जस्ट पीछे स्पारकल है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल है स्पारकल एंड उसके बाद आपको काफ़ी बड़ा सा ओवल शेप्ड या बीन शेप्ड आप कह सकते हो किडनी के जैसा शेप है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन और इसमें मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं सो so, इसकी और स्टडी आप कर सकते हो बुक में आप देखिएगा सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की प्रेजेंस की वजह से टॉर्पिडो इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक रे और ये रे है क्योंकि इसके आप आपको इसकी पोजीशन हमने बता दी है कि वेंट्रल साइड में इसके गिल स्लिट्स होते हैं यानी कि दे बिलोंग टू ऑर्डर हाइपो ट्रिमाटा हाइपो ट्रिमाटा का मतलब होता है वेंट्रल गिल स्लिट्स ओके सो कॉडल फिन आप देखिए छोटा सा है इसका काफी एंड पेल्विक फिन दोनों साइड में एक जैसे ही हैं सो so, इसमें लगभग इस फिश में लगभग फिफ्टी टू सिक्सटी वोल्ट का करंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है तो ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही होता है है ना खुद को भी बचाता है और फिशरमैन जैसे इस तरह के शार्क्स को अगर नेट डालते हैं तो इनकी वजह से फिशरमैन को भी करंट लगता है सो so, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है ज़रूर मेंशन करिएगा आप लोग फाइल में अपनी ओके नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज कायमेरा तो कायमेरा को हम रैट फिश भी कहते हैं घोस्ट फिश भी कहते हैं एंड इसका एक और कॉमन नेम है दैट इज़ किंग ऑफ हेरिंग्स सो ये तीन कॉमन नेम्स uh, के साथ ये रिप्रेजेंटेटिव है जो कि क्लास कॉन्डिक्टिस में ही आता है और इसका ऑर्डर जो है दैट इज़ होलो सिफाली तो होलो सिफ ओके okay? तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं यानी कि कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोनी तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं वी ऑल्सो नोन डीज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शार्क्स एंड बोनी फिशेज और बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज तो आप इसका इस स्पेसिमेंट देख सकते हो घोस्ट लाइक है ये दिखने में लेकिन इसमें जो एक टेल प्रेजेंट है उस टेल की वजह से इसको हम रेड फिश भी कहते हैं ठीक है एंड किंग ऑफ हेयरिंग्स भी कहते हैं सो so आप देखिए इसका ऑपरकुलम रेड कलर के सर्कल में इसमें ऑपरकुलम दिख रहा है सो so, इसका जो ऑपरकुलम वाला हिस्सा ऑप्शन जो हो गया वो कैसा है कार्टिलेजिनस है ठीक है सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है यानी कि कॉन्डिक्थिस क्लास कॉन्डिक्थिस में लास्ट में आपका ये कैमरा आना चाहिए ठीक है लास्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा कॉन्डिक्थिस का कम टू स्टडी द क्लास ऑस्टिक्थिस और बोनी फिशेज बोनी फिशेज में सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव है एग्जोसोटिस इसको हम कॉमनली फ्लाइंग फिश भी कहते हैं क्यों ध्यान से देखिए इस फिश के स्पेसिमेंट पर ध्यान दीजिए पहला स्पेसीमेंट आपको दिख रहा है और दूसरा उसका एनलार्ज व्यू है सो <coughs> so, इस एनलार्ज व्यू में यू कैन सी वेरी वेल अ लार्ज पैक्टोरल फिन तो पेक्टोरल फिन इसकी काफ़ी बड़ी है और इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी आप देखिए पेक्टोरल फिन की साइज़ काफ़ी बड़ी है सो so, इसकी वजह से ये फ्लाई थोड़ा सा क्लाइंब कर सकती है यू कैन से तो फ्लाइंग फिश के नाम से इसको पुकारा जाता है सो so, बोनी फिशेस में यानी कि क्लास ऑस्टिकस और ऑर्डर क्या है बेलोनी फॉर्मिस आइज इसकी काफ़ी बड़ी होती है आप देखिए स्पेसम में भी इसकी आई काफ़ी बड़ी दिख रही है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी क्लियरली विजिबल है लेकिन ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम सबका दिखा रहे हैं ये कंपेयर करने की के, के लिए है बट फाइल में आपको <coughs> वर्टिकल व्यू नहीं दिखाना है आपको फाइल में हॉरिजॉन्टल व्यू में फिगर बनाना है और उसकी लेवलिंग करनी है ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर हर जगह मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए आपको इसका वर्टिकल व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि में सारे ऑर्गेनिज्म वर्टिकल फॉर्म में हैं ओके नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज हिपो कैंपस हिपो कैंपस इज ऑल्सो नोन है सी हॉर्स तो आप देखो इसका फिगर बिल्कुल हॉर्स लाइक -like है और इसके अलावा इसको हम सिन्थी फॉर्मिस में मतलब ऑर्डर फॉर्मिस है सो इसकी जो स्केलेटन है स्केलेटन के फॉर्मिस मतलब पूरे जॉइंटेड होते हैं बोन्स सो इसलिए इसको हम से सि, ऑर्डर सिंग फॉर्मिस में रखा गया है दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई हूँ कि इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंटल केयर <coughs> ये पॉइंट आपको इसमें रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है तो अभी जो स्पेसिमेंट देख रहे हो आप इसमें ब्रूट पाउच नहीं दिख रहा है लेकिन जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको ब्रूट पाउच क्लियरली विजिबल है आप ये देखो दिस इज द ब्रूट पाउच तो इसमें ये मतलब ये ब्रूट पाउच मेल्स में प्रेजेंट होता है तो अगर ब्रूट पाउच है दैट मीन्स की मेल हिपो और मेल सी हॉर्स इफ देर इज नो एनी ब्रूट पाउच देन दैट दैट मे बी द फीमेल सी हॉर्स सो so, आपको ध्यान देना होगा जैसे ये वाला जो स्पेसिमेन है दैट इज़ फीमेल सी हॉर्स ओके सो पेरेंटल केयर यानी कि मेल्स जो हैं इसके जो छोटे छोटे से लारवी होते हैं उनको ये अपने ब्रू पाउच में प्रोटेक्ट कर लेता है एक्स एंड लार्वी को एंड जब तक वो ईजिली मतलब तो थोड़े अपने आप से मूव करने लायक ना हो जाए तो जितना जितने टाइम तक प्रोटेक्शन देना होता है ये देते हैं सो so, इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करिएगा पेरेंटल केयर को नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इज एनाबस एनबस इज आल्सो नोन एज क्लाइंबिंग पर्च बिकॉज दिस फिश कैन क्लाइम लिटिल बिट। सो आप इसमें देखिए uh, बिल्कुल जिस तरह का स्पेसमेंट में दिख रहा है उसी तरह से फिगर में भी दिखाया गया है सो so, इसके आप uh, जिसका ऑर्डर है दैट इज परकी फॉर्मिस नेक्स्ट लास्ट रिप्रेजेंटेटिव इज प्रोटोपटेरस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लंग फिश ये नाइल में पाया जाता है सो so, आप नाइल लंग फिश भी कह सकते हो इसको एंड इसका ऑर्डर है डिप्नोई डिप्नोई में आता है डिप्नोई में लंग फिशेज होती हैं यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई अभी तक देखिए आपको हमने ये बताया था कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ से साथ में लंग्स का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया है सो लंग फिशेस इसीलिए इसको कहते हैं एंड दिस इज़ आल्सो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया तो एम्फीबियंस में गिल्स नहीं होता उसकी जगह पर लंग्स होते हैं सो so, यहाँ से शुरुआत हो गई है लंग्स की सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी आप देखिए और साथ ही साथ स्पेसिमेन का जो पिक्चर है उसमें भी आप देखिए कि इसके जो पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन है आप देखिए ये निडल लाइक है लंबे लंबे है ना तो बिल्कुल अलग तरह के इसके पेक्टोरल फिन है तो एम्फीबियंस में लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो यहीं से शुरुआत हो गई फिन मतलब फिन जो है अलग तरह का दिख रहा है ना तो वो भी चेंजेस आया आप देखिए दोनों में यहाँ पर पेक्टोरल फिन है और दूसरा पेल्विक फिन इस्पेसीमेंट इस में भी आप देख सकते हो इसका पेल्विक फिन क्लियरली विजिबल है ये देखिए आप बिल्कुल उसी तरह से है ना एलोंगेटेड निडल लाइक आप कह सकते हो और पेक्टोरल फिन दोनों में दिख रहा है सो so, इस एस uh, इसकी पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन और साथ ही साथ जो इसका कॉर्डल फिन है वो पूरा कंटिन्यू कर रहा है dorsal एंड वेंट्रल साइड में है ना so इससे भी आप इसको पहचान सकते हो कि दिस इज द लंग uh, this belong to the order Dipnoi and this is the connecting link. so this is all about your practical specimens. तो इन सारे specimens को आपको बहुत अच्छे तरीके से उनके क्लास वाइज जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के साथ एंड देन उसको represent करना होगा आगे तो जिस क्लास का जो ऑर्गेनिज्म हो उसको उस क्लास के जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन के बाद आपको एक पेज पे दो ऑर्गेनिज्म मेंशन करना है और उनके जनरल कैरेक्टर्स और खास फीचर्स जो हैं उनको ज़रूर आपको मेंशन करना है बिल्कुल बुक के सारे पॉइंट्स लंबे लंबे आपको फाइल में मेंशन नहीं करना है आपको शॉर्ट करके कमेंट्स को अच्छे तरीके से और इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जो हों उनके बारे में आपको बताना है तो आपको फिश का कलर नहीं बताना है साइज भी आप नहीं बता सकते उतना मेजर तो नहीं कर रहा तो इन सब चीज़ों की जगह जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उनको ही रिप्रेजेंट करना है बुक में तो सारी चीज़ें दी रहती हैं कलर और ये वो चूँकि ये स्पेसमेंट आप देख रहे हो तो इसका ओरिजिनल कलर तो आप देख नहीं सकते क्यों क्योंकि ये प्रिजर्व्ड होते हैं फॉर्मलिन में ये होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है सो कलर वगैरह आपको मेंशन नहीं करना है सो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फाइल मेंटेन करनी है थैंक यू सो मच